आज हम दुनिया का सबसे सिंपल जनरेटर बनाएंगे और उससे फ्रेश बिजली प्रोड्यूस करके बत्ती जलाएंगे और इसी प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में भी जानेंगे इसको बनाने के लिए हमें एक सिरिंज कॉपर वायर नियोडीमियम मैग्नेट एल और कैंची की जरूरत होगी सबसे पहले हम सिरिंज के ऊपर कॉपर वायर को लपेटेंगे शुरू का थोड़ा सा तार छोड़कर हम टर्न्स लगाना शुरू करेंगे जितने ज्यादा टर्न्स लगाएंगे उतनी तेज बत्ती जलेगी और हम पतला कॉपर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कम जगह में बहुत सारे टर्न्स लगा सकें 800 से हज़ार बार हमें कॉपर वायर को इस सिरिंज पर लपेटना है हज़ार टर्न्स होने के बाद तार के दोनों सिरों पर हमें एल लगानी है पर उससे पहले हमें इसका इंसुलेशन हटाना होगा इंसुलेशन वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है उसको हटाने के लिए हम कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर माचिस से इंसुलेशन को जला भी सकते हैं इंसुलेशन हटाकर इन दोनों सिरों पर एलईडी को जोड़ देंगे इसमें यह ध्यान रखें कि हमें तार को सिरिंज के बीच में ही रखना है ज्यादा फैलाना नहीं है और इसीलिए हमने दोनों तरफ ये फोम के टुकड़े लगा दिए हैं ताकि ये तार है जो वो इन दोनों के बीच में ही रहे अब इस मैग्नेट को सिरिंज में डाल देंगे और सिरिंज को आगे पीछे करेंगे तो बत्ती जल जाएगी सिरिंज जनरेटर दिमाग की बत्ती जला दे तो हमने भी आज अपने हाथों से बिजली पैदा कर दी सिर्फ थोड़ी बिजली पैदा नहीं कर सकता साइंस की मदद से हम सभी बिजली पैदा कर सकते हैं अब इस जनरेटर को थोड़ा और समझते हैं और यह देखते हैं कि इससे बिजली पैदा क्यों हो रही है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है इस लॉ के हिसाब से बिजली पैदा करने के लिए दो चीजें चाहिए एक तो कंडक्टर यानी ऐसी वस्तु जिसमें से करंट पास करता हो जैसे कि तार जिससे हमारे घरों में बिजली आती है और दूसरा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसी भी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि मैग्नेट के पास स्ट्रांग होता है और मैग्नेट से दूर जाने पर वीक होता जाता है इस चुंबक को आगे पीछे करने से कोयल के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो मैग्नेट को एक जगह रखकर कंडक्टर को मूव कर सकते हैं या फिर कंडक्टर को एक जगह रखकर मैग्नेट को मूव कर सकते हैं या फिर दोनों को भी मूव कर सकते हैं जैसे जैसे चुंबक कोयल के पास जाती है कोयल के पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है और जब भी कंडक्टर के पास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या तो घटता है या बढ़ता है तो उस कंडक्टर के दोनों सिरों पर वोल्टेज जनरेट होता है और अगर दोनों सिरों को जोड़ दें तो उसमें से करंट बहने लगता है सोलर पावर को छोड़ दें तो बाकी के सभी पावर प्लांट्स, चाहे वो कोयले से चलते हों पानी से हवा से या फिर न्यूक्लियर फ्यूल से सभी में हमारे सेरिन जनरेटर के जैसे ही बिजली पैदा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो वोल्टेज पैदा होती है उसे हम इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं और करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं इस करंट की डायरेक्शन को हम लेंजेज लो से निकाल सकते हैं जो ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करे अब ये देखते हैं कि ये करंट मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज कैसे कर रहा है कॉयल में करंट बहने की वजह से वो एक इलेक्ट्रो बन जाती है जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल अगर हम अपनी उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो अंगूठे की डायरेक्शन नॉर्थ पोल को दिखाती है और उससे उल्टी डायरेक्शन साउथ पोल को फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल कोयल के पास आ रहा है तो लेंजेज लो के हिसाब से करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि कोयल में यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल बन जाए जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रेपल करके उसकी मूवमेंट को कम कर सके तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये होगी और जब मैग्नेट से बाहर निकल रही है तो उसकी मूवमेंट को अपोज करने के लिए यहां नीचे नॉर्थ पोल बनना चाहिए जो कि मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर सके इसलिए इस समय करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी यानी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव कोयल के दोनों सिरों पर अगर हम ये वोल्टेज सेंसर लगा दें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा अब हम ये देखते हैं कि ये एल ईडी एग्जैक्टली कब जल रही है जब मैग्नेट कोयल के अंदर जा रही है तब या फिर बाहर आ रही है तब या फिर दोनों टाइम जैसा कि हमने पहले भी देखा था कोयल के सिरों पर वोल्टेज तो दोनों बार जनरेट होगा लेकिन उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी तो क्या एलईडी भी दोनों बार जलनी चाहिए मैग्नेट को स्लो मोशन में कोयल में से गिरा कर देखते हैं यहां हमें दिख रहा है कि एलईडी सिर्फ अंदर जाने पर ही जल रही है बाहर निकलते टाइम नहीं जल रही है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एलईडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जलती है जब एलईडी का बड़ा लेग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तभी वो जलती है अगर इसे मैं उल्टा कर दूं तो देखिए ये नहीं जलेगी अब अगर मैं एक और एलईडी यहां इस तरह से लगा दूं कि इन दोनों एलईडीज़ के लेग्स का ओरिएंटेशन ऑपोजिट है तो एक एलईडी मैग्नेट के कोयल में घुसते टाइम जलेगी और दूसरी बाहर निकलते टाइम अब ये देखते हैं कि मैग्नेट को अगर नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन की जगह हम टेढ़ा सरेंज में डालें तो क्या एल जलेगी अब चाहे कितना भी तेजी से मैग्नेट को आगे पीछे कर लें एल बिल्कुल नहीं जलेगी और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों ही एक साथ कोयल में जा रहे हैं जितनी मैग्नेटिक लाइंस कोयल के अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं इसलिए कॉयल में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो ही रहता है और एलईडी नहीं जलती है एलईडी को जलाने में जो एनर्जी लग रही है वो मैग्नेट के मूवमेंट से आ रही है मैग्नेट की कुछ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इसलिए मैग्नेट कॉयल से गुजरते समय स्लो हो जाती है सिरिंज की जगह हम पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही पाइप पर बहुत सारी कॉयल्स लपेट सकते हैं लास्ट में अब ये देखते हैं कि मोटर और जनरेटर में क्या संबंध है असल में दोनों सेम ही हैं, बस दोनों के यूज करने का तरीका एकदम उल्टा है मोटर के दोनों टर्मिनल्स पर अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें तो वो घूमने लगती है और अगर मोटर को हम घुमा दें तो उसके दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टेज जनरेट हो जाती है और अगर उल्टी दिशा में घुमाएं तो ये दूसरी एल जल जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने दोनों एल को ऑपोजिट ओरिएंटेशन में कनेक्ट किया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब आपको इंजेक्शन लगें तो सेरिन जनरेटर ज़रूर बनाएं हज़ार टनस लपेटते लपेटते कब दर्द कम हो गया पता ही नहीं चलेगा थैंक यू you <music>